हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 3 का एपिसोड नंबर 10। तो इससे पहले के एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे बैरी आयरिस को सैबिटार से बचाने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहा होता है अपने फ्यूचर बदलने के लिए। तो वहीं ब्रिज के जरिए एक लड़की की एंट्री होती है जो कि यहाँ अर्थ 1 पर HR को ढूंढ रही होती है। और अब कहानी आगे बढ़ाते हैं एपिसोड नंबर 10 के साथ, जिसकी शुरुआत एक क्राइम सीन के साथ होती है, जहां पर कि HR बैरी और वैली को इंस्ट्रक्शन देने के बजाय खुद अपने नोवेल के स्टोरी के लिए खुद ही एज अ हीरो की एंट्री लेकर सारे क्रिमिनल को पकड़ लेता है। तभी सिस्को HR को उसके फिक्शन से जगाते हुए बोलता है, बैरी पर फोकस करो, नोवेल की स्टोरी बाद में बना लेना। अब उसके बाद हम देखते हैं फ्लैश और किट फ्लैश अब जो कि दोनों साथ में मिलकर काम करने लगे हैं, जहां वे मिलकर आखिरकार इन खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ ही लेते हैं जिनके पास की हाईटेक गन बरामद होती है। जिसके बाद अब बैरी और वैली स्टार लैब वापस आते हैं, जहां सभी मिशन सक्सेसफुल होने के लिए इन दोनों की तारीफें करते हैं। तब आयरिस बैरी को बोलती है, मुझे पता चला है कि अभी भी इन क्रिमिनल्स की गन छुपाने की जगह किसी को मालूम नहीं चली है। मैं इस पर एक सीक्रेट स्ट्रिंग ऑपरेशन करना चाहती हूँ, देखना मेरी आर्टिकल फ्रंट पेज पर आएगी। जवाब में बैरी बोलता है, इन फालतू की चीजों में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए तुम्हारे डैड डिटेक्टिव जो ही काफी है। जिसके कुछ देर बाद अब हम बैरी को देखते हैं जो कि सिस्को के पास जाकर उससे पूछता है, फ्यूचर बदलने का कोई रास्ता मिला क्या। जिस पर अब सिस्को बोलता है, ऐसा तो कुछ नहीं मिला है, पर हाँ मैंने और कैथलीन ने मिलकर एक 3D रिकंस्ट्रक्शन उसी सेम दिन की करी है। अब इसकी मदद से हम ये सॉल्व कर सकते हैं कि इस सीन के अनुसार तुम कितनी फास्ट सैबिटार तक पहुंच सकते हो। तभी यहाँ पर जूलियन एक तस्वीर बनाते हुए अब इन सभी को एक्सप्लेन करता है कि बैरी के अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार इसे 3 गुना स्पीड से दौड़ना पड़ेगा सैबिटार तक पहुंचने के लिए, जिसके लिए अभी बैरी को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब आगे के सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि ब्रिज के जरिए यहाँ अर्थ 1 पर आई थी और वो HR को ढूंढते ढूंढते जिटर कैफे में पहुंचती है। तभी यहाँ पर कैफे के गार्ड आकर इस लड़की पर गन पॉइंट करते हैं इसे चोर समझकर, जिस पर यह लड़की उन दोनों गार्ड पे ही अटैक कर उन्हें घायल करके यहाँ से निकल जाती है। तो अब अगली सुबह बैरी और जॉय इस जगह के छानबीन के लिए पहुँचते हैं, जहाँ जॉय बैरी को बोलता है, तुम्हारे और आयरिस के बीच में सब ठीक तो है, कहीं खोई खोई आयरिस दिख रही है आजकल, और कल तो मुझसे इन गन बनाने वाले क्रिमिनल्स की डिटेल भी मांग रही थी ताकि वो इस पर स्ट्रिंग ऑपरेशन करे, पर मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया कि इन सारे झंझटों से वो दूर ही रहे। अब आगे की सीन में हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है, जहां पर किसी इसको कल रात की जीटर कैफे वाली फुटेज निकालकर उसे देखकर इस लड़की को बोलता है, इतनी सुंदर मेटा, मुझे इससे मिलना है, कोई प्लीज इसका पता लगाओ। तभी हम देखते हैं ये लड़की स्टार लैब के बाहर सिक्योरिटी कैमरा के पास आकर बोलती है, मुझे मालूम है HR तुम इसी के अंदर छिपे हो, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, बाहर निकलो मैं वरना अंदर आ जाऊंगी। जिसे देखकर कि अब HR सिस्को और कैथलीन को बताता है, इस लड़की का नाम जिप्सी है जो एक कलेक्टर है। कलेक्टर का मीन्स जो कि अर्थ 19 का शख्स मल्टी यूनिवर्स में ट्रेवल करने निकलता है या कोई क्रिमिनल भागता है, ये जिप्सी उन्हीं लोगों को पकड़ कर वापस अर्थ 19 पर ले जाती है। चूंकि मैंने भी ये नियम तोड़ी है, ये मुझे गिरफ्तार करके यहाँ से वापस लेने आई है। अब HR इतनी सारी बातें बता ही रहा होता है कि इधर हम जिप्सी को देखते हैं जो कि ब्रिज के जरिए अंदर स्टार लैब में आ जाती है और HR पर इलेक्ट्रिक गन से शूट कर एक जोर का झटका देकर उसे गिरा देती है। जिसे देखकर कि सिस्को यहाँ जिप्सी को रोकने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ पर वैली आ जाता है, जिसे देखकर जिप्सी हंसते हुए बोलती है, ओह ग्रेट, स्पीडस्टर तो मेरा फेवरेट खिलौना है। जिसके बाद की जिप्सी एक बार से ही वैली को कमजोर कर देती है और फिर HR को बोलती है, पिछली बार तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ा गया था ना, मल्टीवर्स में घूमना बंद करो, अब इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, मैं 1 घंटे में वापस आऊँगी, पैकिंग कर लो। जिस पर अब यहाँ सिस्को जिप्सी से फ्लर्ट करते हुए बोलता है, तो 1 घंटे में क्या हम कहीं कॉफ़ी या लंच पर चल सकते हैं। तब यहाँ जिप्सी सिस्को को इग्नोर कर यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद अब HR बोलना शुरू करता है, इन लोगों को मैं कितनी बार समझाऊं कि लोगों को अलग अलग तरह के नोवेल पढ़ना पसंद है, इसलिए तो मेरे अर्थ वाले लोग मेरे नोवेल्स की तारीफें करते हैं क्योंकि मैं उन्हें हर बार डिफरेंट कंटेंट देता हूँ। जिस पर अब सिस्को पूछता है, वैसे तुम्हें क्या सजा मिलेगी वापस जाने पर। जवाब में HR बोलता है, ये मेरा आखिरी वार्निंग था, मुझे पता नहीं था कि ये जिप्सी मुझे ट्रैक करके यहाँ भी आ जाएगी, तो वापस लौटने पर मुझे फांसी की सजा मिलेगी। जिस पर HR से कैथलीन पूछती है, तो अपनी लाइफ इतनी बड़ी रिस्क में डालकर तुम यहाँ आए ही क्यों। तब हम HR को देखते हैं जो इनकी बातों को इग्नोर करता हुआ पैकिंग करने चला जाता है।
जिसके बाद अब वापस से कैथलीन बोलती है, हम एचआर को यूं मरने नहीं दे सकते। तब जूलियन बोलता है, हर जगह की अपनी एक प्रोटोकॉल होती है, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। तभी बैरी बोलता है, अगर एचआर जाने वाला होता तो फ्यूचर में मैंने उसे कैसे देखा था। तो दूसरी तरफ अब हम आयरिस को देखते हैं जो कि स्टार लैब वैली से मिलने आती है और फिर वैली को बोलती है, याद है बैरी ने बताया था कि फ्लैश पॉइंट में हम साथ में काम कर क्रिमिनल्स को पकड़ा करते थे, चलो यहाँ भी हम लोग यही करते हैं, पर एक बात का ध्यान रहे, डैड या बैरी या फिर हमारे किसी भी टीम मेंबर्स को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करना चाहती हूँ, उसमें तुम मेरा साथ दो, जिस पर वैली भी तैयार हो जाता है। तो अब आगे हम एचआर को देखते हैं जो कि अपनी पैकिंग कर रहा होता है। तब सिस्को आकर इससे पूछता है, तुमने कैथलीन के सवालों का जवाब नहीं दिया, बताओ तुमने जान अपनी खतरे में क्यों डाली। जवाब में एचआर बताता है, वैसे तो मेरे अर्थ पर सभी लोग मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे नॉवल भी लोगों को पसंद है, लेकिन मैं अपने लिए कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए मैंने मल्टीवर्स में घूमना शुरू कर दिया। और जब मैंने इस अर्थ का आने का न्योता यानी कि यहाँ से भेजी गई इक्वेशन को देखा तो मैंने फौरन ही उसे बोलकर अपने असिस्टेंट से उसे सॉल्व करवा लिया और मैं यहाँ घूमने आ गया। सच बात तो ये है कि मेरे पास कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मैं तो बस चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लोगों को आइडिया दिया करता हूँ। तब बैरी बोलता है, लेकिन बचाव में तुम अपने लिए कुछ तो करो, केस लड़ो या तुम हमें बोलो, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। जिस पर अब एचआर बोलता है, अब मेरे पास बचने का कोई चांस नहीं है सिवाय इसके कि कोई जिप्सी को हरा दे, जहाँ से वो किसी को लेने जाती है उस जगह पर अगर जिप्सी को कोई हरा दे तो कुछ बात बन सकती है। कि तभी यहाँ पर कैथलीन सबको बताती है कि जिप्सी आ गई है, जिसके बाद अब हम एचआर को देखते हैं जो कि अपनी पैकिंग कंप्लीट कर स्टार लैब से निकल कर जिप्सी के पास जाता है। अब जैसे यहाँ जिप्सी एचआर को ले जाने लगती है तब इधर से सिस्को आकर जिप्सी को रोकते हुए बोलता है, सुना है अगर तुम्हें कोई चैलेंज करे तो तुम मुकरती नहीं हो, चलो एक मुकाबला हो जाए, अगर मैं जीता तो एचआर को तुम छोड़ दोगी। जवाब में अब जिप्सी बोलती है, स्वीकार है, चलो 24 घंटे तुम्हें देती हूँ, जाओ जाकर प्रैक्टिस कर लो, अगर मैं जीत गई ना तो एचआर के साथ तुम सबको भी मार डालूंगी। और फिर इतना बोलकर जिप्सी यहाँ से चली जाती है। अब आगे की सीन में सभी सिस्को की प्रैक्टिस करवाने में लग जाते हैं, जहाँ पर कि जूलियन जिप्सी के ज़्यादा यूज किए गए मूव को सिस्को को दिखाकर उसे प्रैक्टिस करवाता है ताकि सिस्को जिप्सी को हरा सके। तो यह बैरी सिस्को को मोटिवेट करते हुए बोलता है, तुम्हारी और जिप्सी की पावर तो सेम है, तो जो जिप्सी कर सकती है वो तुम भी कर सकते हो, बस फोकस करके प्रैक्टिस करो। जिसे सुनकर कि अब एचआर बोलता है, वैसे एक बात बोलूं, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरा साथ दिया, पर वो क्या है ना कि जिप्सी आज तक किसी से हारी नहीं है, इसीलिए तो कलेक्टर के रूप में हमारे अर्थ 19 से सिर्फ उसे ही चुना गया है। अब ये सुनकर सिस्को की हालत और भी खराब हो जाती है। तो अब आगे कुछ देर बाद हम एचआर को देखते हैं जो कि सिस्को के पास जाकर उससे पूछता है, आखिर तुमने मेरे लिए अपनी जान रिस्क में क्यों डाली। जवाब में अब सिस्को बताता है, हमारे अर्थ 1 वाले डॉक्टर हैरिसन विल जो कि मेरे लिए मेरे पिता के जैसे थे, हमेशा मेरी प्रॉब्लम का उनके पास सोल्यूशन हुआ करता था, वो जैसे भी इंसान रहे हो पर आज भी मेरे दिल में उनके लिए एक खास जगह है, क्योंकि आप उनके ड्रॉप एंगलर हो, मैं आपको भी नहीं खोना चाहता हूँ। जिसे सुनकर अब हम एचआर को देखते हैं जो कि थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो अब आगे की सीन में हमें सीसीपीडी में वैली और आयरिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर आयरिस वैली को बोलती है, मैं डैड का ध्यान भटकाऊंगी, तुम अपनी सुपर स्पीड से लेटेस्ट क्राइम फाइल की पिक ले लेना, ताकि इससे मिले डिटेल से हम बारी बारी कर सारे क्रिमिनल्स को पकड़ लेंगे। तो हम आगे वैली को देखते हैं जो कि ऐसा ही करता है और फिर दोनों मिलकर एक क्रिमिनल के ठिकाने में पहुंचते हैं, जहां उन्हें गन से भरे हुए बक्से मिलते हैं। तभी एक शख्स आकर आयरिस पर गन पॉइंट कर देता है कि तभी यहां पर वैली आकर आयरिस को बचा लेता है। और तभी यहां हम देखते हैं सीसीपीडी पुलिस भी आ जाती है, तब जोय को भी इन दोनों के सीक्रेट मिशन के बारे में पता चल जाता है। तो इधर हम स्टार लैब में देखते हैं जहां पर सिस्को प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर यहां अभी भी सिस्को को इसमें बहुत ही फोकस करने की ज़रूरत थी, जिसे देखकर एचआर बैरी को साइड में लाकर आईपैड पर जिप्सी के लोकेशन को दिखाते हुए बोलता है, भले ही मेरे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है पर मैं जिप्सी से एक कदम आगे अभी भी हूँ, सुबह जब जिप्सी मुझे लेने आई थी तो मैंने उसे टच करके उसके बाजू में बॉडी ट्रैकर लगा दिया था, ये सोचकर कि रास्ते में मैं कहीं भाग निकलूंगा और फिर उसके बाद जिप्सी के लोकेशन हमेशा चेक करके उससे बचते रहूंगा। अब चूंकि सिचुएशन अलग है, हम इसका भी फायदा उठा सकते हैं, हमें अच्छे से पता है कि सिस्को तो जीतने से रहा, हम दोनों ही जिप्सी के पास जाकर उसे पकड़ लेते हैं, आखिरकार तुम फ्लैश हो। जिसके बाद अब हम ये दोनों को देखते हैं जो कि जिप्सी को ट्रैक करके उसके लोकेशन पर पहुंचते हैं,
तब जिप्सी भी बैठकर यहाँ पर कॉफी पी रही होती है, जिसके पास के अब एचआर आकर जिप्सी का ध्यान भटकाते हुए उसे इस अर्थ पर मिलने वाले टाइप्स ऑफ कॉफी के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। तो इधर हम फ्लैश को देखते हैं जो कि चुपके से धीरे धीरे पावर डैम्परिंग कप्स को लेकर जिप्सी के नजदीक जाने लगता है ताकि वो उसे पकड़ सके। कि तभी अब हम जिप्सी को देखते हैं जिसे कि ये सारी चीजें पता चल जाती है और वो गुस्से में इसी वक्त ही एचआर को लेकर अपने साथ चली जाती है, ये बोलकर कि बाहर में गई चैलेंज, अब एचआर इसी वक्त मेरे साथ वापस जा रहा है। तो ये आगे हम स्टार लैब में देखते हैं जैसे ही इस बात की खबर सिस्को को लगती है। सिस्को बैरी पर गुस्साते हुए बोलता है, तुमने ऐसे कैसे एचआर को उसे ले जाने दिया, मेरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है तुमको, अब हम एचआर को कैसे ढूंढ लेंगे। तो ये दूसरी तरफ हम जोय को देखते हैं जो कि स्टार लैब आता है और अब वैली और आयरिस दोनों को ही डांटना शुरू कर देता है। और फिर जोय आयरिस को बोलता है, क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या, मेरे मना करने के बाद भी तुमने अपनी मनमानी क्यों की, कुछ हो जाता तो तुम दोनों को। तब बैरी यहाँ पर आयरिस को साइड में ले जाकर बोलता है, मैंने मना किया था ना, इसके बावजूद भी तुमने ये सब क्यों किया आयरिस। अब जवाब में रोते हुए आयरिस बोलती है, मुझे कुछ नहीं होता क्योंकि 5 महीने बाद तो वैसे भी सैविटार मुझे मारने ही वाला है, मैं मरने से पहले कुछ करना चाहती हूँ बैरी, ताकि लोग मुझे याद रखें कि कोई आयरिस वेस्ट भी थी। स्ट्रिंग ऑपरेशन कर अपनी स्टोरी पेपर के फ्रंट पेज पर लाना चाहती हूँ ताकि लोग एटलीस्ट मुझे एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट के नाम से जाने। जिसे सुनकर यह भावुक होता हुआ बैरी आयरिस को गले लगा लेता है। तो अब यहाँ हम कैथरीन को देखते हैं जो सबको बताती है कि जिप्सी वापस लौट आई है और फाइट वाली जगह पर सिस्को को बुला रही है। जिसके बाद अब हम सिस्को को देखते हैं जो कि रेडी होकर फौरन ही फाइट वाली जगह पर पहुंचता है, जहां जिप्सी बोलती है, मुझे कोई भगोड़ा ना समझे इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। जिसके बाद कि यहाँ अब हम व्यूअर्स को जिप्सी वर्सेस सिस्को की एक रोमांचक फाइट दिखाई जाती है, जिसमें चूंकि दोनों की पावर सेम होती है वो मल्टीवर्स में घूम घूम कर लड़ना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वैल्कनो के पास भी दोनों पहुंच जाते हैं। तब आखिरकार यहाँ हम देखते हैं सिस्को इस फाइट में जीत जाता है, जिस पर अब जिप्सी बोलती है, हमारे अर्थ 19 के लॉ के अनुसार जो भी कलेक्टर को हरा देता है वो उसकी जान ले ले सकता है, तो तुम मुझे मार सकते हो। जिस पर सिस्को बोलता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर आगे हम सिस्को को देखते हैं जो कि वापस से जिप्सी से फ्लर्ट करते हुए बोलता है, वैसे मैं एक बात बताऊँ तो मैं अभी तक सिंगल ही हूँ। जिस पर अब जिप्सी भी मुस्कुराते हुए सिस्को को बोलती है, मैंने इतने सारे मल्टीवर्स में घुमा है पर तुम सबसे अलग हो, तुम बहुत अच्छे हो सिस्को, तुम भी मुझे पसंद हो। और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है, जिसके बाद अब आगे के सीन में हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अब जिप्सी एचआर को बोलती है, अगर मैं तुम्हें वापस अपने साथ अर्थ 19 पर ले गई तो तुम्हें फांसी की सज़ा हो जाएगी, इसलिए मैं लौट कर वहाँ बोल दूंगी कि तुम मारे गए हो, इसका मतलब ये है कि तुम वापस अब कभी भी अर्थ 19 पर नहीं लौट पाओगे। जिस पर अब एचआर बोलता है, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी यूनिवर्स है, मैं तो कहीं भी अपना ठिकाना ढूंढ ही लूंगा। जिसे सुनकर कि आप कैथरीन और सिस्को एचआर को बोलते हैं, ये भी आपका घर ही है, आज से आप यहीं रहोगे। तो ये अब आगे के सीन में हम देखते हैं, एज अ रिटर्न गिफ्ट सिस्को जिप्सी को 2 बैग कॉफी का दे देता है, क्योंकि जिप्सी को यहाँ की कॉफी काफी पसंद आए थे। जिसे लेकर कि अब जिप्सी वापस से अपने अर्थ 19 पर लौट जाती है। तो अब एपिसोड के लास्ट में हम बैरी को देखते हैं जो कि वैली के पास आकर बोलता है, अपनी प्रैक्टिस यूं ही जारी रखो वैली, क्योंकि आयरिस को सैविटार से मैं नहीं तुम बचा सकते हो, क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा तेज हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की आने वाली एपिसोड ना और भी धमाकेदार है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहे। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर ले। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।